हेलो माय यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल बट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट कीजिए लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यस नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल नाई आप थॉट्स इन इंग्लिश एंड माय सेल्फ रेनू और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मैंने बुक आपको कम्प्लीट uh, जो है वो कोर्स हनी ड्यू क्लास एथ कंप्लीट वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं आई विल क्रिएट माई प्ले लिस्ट ऑल्सो अभी प्ले लिस्ट मैंने आ क्रिएट नहीं किए हैं मैं क्रिएट करूँगी और आज मैं आपको क्लास एट हनी डि टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर क्योंकि मैंने टेक्चुअल क्वेश्चन आंसर आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं uh, दो दो लेसन के और थ्री पोएम फाइव हैं और थ्री पोएम के अभी दे रही हूँ आपको और टू पोएम्स के इसके नेक्स्ट आपको दूंगी सारे टेक्चुअल क्वेश्चन आंसर उसके साथ में मैं आपको बहुत शॉर्ट में समरी भी हर पोम की बताती जाऊँगी और तीन पोएम्स हैं द आंट एंड द क्रिकेट जोग्राफी लेसन एंड द लास्ट बार्गिन ओके नाओ नंबर वन पे हैं क्लास एट थानी ज्यू पोम नंबर वन द क्रिकेट एंड इट इजन फ्रॉम एक स्लेव था और फेबल क्या होता है बहुत रही कि फेबल ऐसी होती है जिनके कैरेक्टर्स एनिमल्स होते हैं और जो कि एक मॉरल लेसन को देती हैं तो यहाँ पर इस जो पोम है इसके कैरेक्टर हैं आर्ट और क्रिकेट यहाँ पर क्या होता है कि जो क्रिकेट है पूरी समर और पूरी स्प्रिंग गाना गाता है एंजॉय करता है और फिर क्या होता है बाद में जैसे ही वो अपने घर पर जाता है अपनी कबर्ड चेक करता है देखता है कबर्ड के अंदर दैट ही डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट घर में उसके कुछ खाने के लिए नहीं था अब वो बहुत परेशान होता है एंड ही वॉज स्टारविंग एंड ही वॉज टायर्ड एंड स्टारविंग वो थका हुआ है और उसे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है भूख से मर रहा है और इसलिए वो क्या करता है वो जाता है आंट के पास में तो आंट जो है वो बहुत मेहनत करती है और वो अपने खाने को जो है वो फ्यूचर के लिए विंटर के लिए अपने खाने को सेव करके रखती है जैसे ही क्रिकेट जो है आंट के पास जाता है तो क्या होता है आंट से कहता है कि प्रॉमिस करता है कि वो मुझे कुछ खाने के लिए दे दे और शेल्टर दे दे लेकिन प्रॉमिस भी करता है कि वो उसको कल वापस कर देगा लेकिन जो आंट है वो कहती है उससे कि ठीक है और तुमने ना जब गर्मियों में और स्प्रिंग में बहुत एंजॉय किया तो जाओ अब जाकर के विंटर है उसमें भी डांस करो तो यहाँ पर डांस वर्ड बड़ा ही अप्रोप्रिएट है बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा कहकर वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है तो इट इज़ क्लियर दैट द क्रिकेट ही डज़ नॉट डिज़र्व एनी सिंपथी उसको कोई भी सहानुभूति डिज़र्व वो नहीं करता क्योंकि उसने अच्छे टाइम को इंजॉय किया और बुरे टाइम के लिए कुछ भी संभाल कर नहीं रखा दैट ही डिड नॉट थिंक अबाउट हिज फ्यूचर परस्पेक्टिव्स तो ऐसा जो व्यक्ति होता है As ये जो मॉरल uh, लेसन है वो ह्यूमन बीइंग के लिए भी बड़ी सिग्निफिकेंट है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर जो है वो इसके टेक्चुअल क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है द क्रिकेट सेज ओ वॉट विल बिकम ऑफ मी क्रिकेट कहता ओह oh, मेरा अब क्या होगा विन डज ही से इट वे ऐसा कब कहता है एंड वाई और क्यों कहता है आफ्टर इंजॉय सिंगिंग इन समर एंड स्प्रिंग और गर्मियों में और बसंत में इंजॉय करने के बाद द क्रिकेट फैल्ट हंग्री क्रिकेट को भूख लगती है झेंगुर को भूख लगती है ही हिज होम वह अपने घर जाता है ही फाउंड हिज बुड वॉस एम्पटी देखता है उसकी जो अलमारियाँ खाली हैं ही हैड नथिंग टू ईट उसके पास खाने को कुछ नहीं है सो ही सैड सो इसलिए उसने ऐसा कहा क्वेश्चन नंबर टू Find in the poem the lines that mean the same as neither a borrower nor a lender be. ये शेक्सपियर की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ना तो आप उधार दें ना ही उधार लें ओके ना द लाइन्स ये इससे मिलती जुलती लाइन्स कौन सी हैं इससे मिलती जुलती लाइन्स हैं द आर वी आंट नेवर लैंड हम चीटियाँ ना कभी उधार देती हैं ना कभी उधार लेती हैं नेक्स्ट वॉट इज योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके विचार से आंट का जो प्रिंसिपल है जो उसका सिद्धांत है वो क्या है तो इन माय ओपिनियन दर्ट्स प्रिंसिपल वाज़ फेयर मेरे विचार से जो चीटी है उसका जो प्रिंसिपल है उसका जो सिद्धांत वो बिल्कुल सही है इट गिव्स अ मॉरल लेसन ये एक मॉरल लेसन एक नैतिक शिक्षा देती है दैट एवरी शुड प्लान फॉर द फ्यूचर परस्पेक्टिव हर एक व्यक्ति को अपने भविष्य के लिए कुछ करके रखना चाहिए नाउ नंबर थ्री द आंट एस अ क्रिकेट टू डांस द विंटर वे और आंट ने क्रिकेट से क्या कहा जाओ सर्दियां आ गई हैं अब नाचो और सर्दी को दूर भगा दो डू यू थिंक द वर्ड डांस इज़ अप्रोप्रिएट हेयर क्या आपको लगता है दो तो जो वर्ड डांस है क्या यहाँ पे उपयुक्त है अगर ऐसा है तो क्यों द वर्ड डांस इज़ अप्रोप्रिएट हेयर द वर्ड डांस जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है सही है इट मीन्स टू इन्जॉय एंड वेस्ट टाइम हेयर यहाँ पर मतलब है उसने बहुत मौज मस्ती की और वो खूब नाचा टाइम वेस्ट किया उसने द क्रिकेट डज नॉट डिजर्व एनी सिंपथी और क्रिकेट को किसी भी सहानुभूति वो डिजर्व नहीं करता नेक्स्ट विच लाइन्स इन द पोम एक्सप्रेस द पोइट कमेंट इसमें कौन सी पोम के अंदर लाइन है जो कि पोइट के कमेंट को एक्सप्रेस करती है दीज लाइन्स एक्सप्रेस पोइट कमेंट ये लाइन है फोक्स कॉल दिस अफेबल लोग कहते हैं कि ये एक फेबल है ये एक इमेजिनरी कहानी है आई विल वेर इट ट्रू और मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सच्ची कहानी है यस नाउ ये नेक्स्ट इज इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे फोक्स बीन्स जनरली पीपल फोक्स का मतलब है uh, साधारण रूप से लोग से दैट द स्टोरी ऑफ द आंट लोग कहते हैं कि ये जो कहानी है चींटी की और झिंगूर की इज़ नॉट रियल ये क्या है रियल नहीं है वास्तविक नहीं है बट इन पोइट्स ओपिनियन इट इज़ ट्रू लेकिन पोइट का क्या विचार है कि ये सच्ची है थ्रू दिस पोम द पोइट ट्रेलसर्स इस पोम के जरिए पोइट हमें बताता है सम पीपल आर नॉट प्रूडेंट प्रूडेंट का मतलब होता है दूरदर्शी कुछ लोग जो है वो दूरदर्शी नहीं होते दूर की नहीं सोचते दे थिंक ओनली अबाउट प्रेजेंट वो सिर्फ वर्तमान में जीते हैं वर्तमान को इन्जॉय करते हैं दे डोंट केयर अबाउट फ्यूचर एंड लाइफ्स पर हार्डशिप्स वो लाइफ की चिंता फ्यूचर की चिंता नहीं करते और ना ही अपनी जिंदगी की आने वाले समय की परेशानियों को सोचते हैं नाउ पॉम नंबर टू जोग्राफी लेसन एंड इट इज रिटर्न बाय जुल्फिकार घोष आप इस पोम के अंदर पोइट जो है एक एरोप्लेन के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रहा है और वहाँ से एरोप्लेन के अंदर से जो है पोइट जो है नीचे जब ज़मीन में देखता है तो जब ज़मीन में वो देखता है तो उसको पोइट को जो है शहर जो है वो नज़र आता है ये पोम तीन स्टेंजा के अंदर जो है वो डिवाइड है और कैसे फर्स्ट स्टेंजा के अंदर जो है पोइट जो है जैसे ही ज़मीन को ऊपर से नीचे देखता है तो ज़मीन जो है उसे अनप्ल ड लगती है, है लगती है बिना ऑर्डर की लगती है और इस समय जो जेट प्लेन जो है वो हवा में जो है आसमान में उड़ रहा है और उसे ये बात यहाँ से क्लियर होती है कि जो सिटी है वो यहाँ से कैसे डेवलप हुई है और कैसे जो है वो इन एविटेबल मीनिंग दैट कैन नॉट बी एवॉयडेड इसको एवॉयड नहीं किया जा सकता सेकेंड स्टैजा के अंदर जो पॉइंट है वो टेन थाउजेंड फ़ीट पर पहुँच जाता है और वहाँ से वो देखता है कि जो वहाँ से देखता है कि जो कंट्री है उसमें सिटीज़ हैं जहाँ पर नदियाँ भी बहती हैं और ये फैक्ट बताता है कि जो वैलीज़ हैं जो रिवर्स हैं वो वैलीज जो हैं वो वैलीज पॉपुलेटेड हैं जहाँ पर रिवर्स बहुत नज़दीक हैं ये जोग्राफ़ी का एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक भी है क्यों क्योंकि पानी और जो ज़मीन है वो मनुष्य को आकर्षित करते हैं पानी और ज़मीन ये मनुष्य की बहुत बेसिक नेसेसिटी है इसलिए ज़्यादातर पॉपुलेशन वहीं पर होती है और यहाँ से जो है वो टेन थाउजेंड फीट की ऊंचाई से वो यहाँ से देखता है फिर उसके बाद जो उसका जेट है वो सिक्स माइल्स हाई हो जाता है और वहाँ से उसे दिखता है कि अर्थ जो है राउंड है और बहुत ही ब्यूटीफुल है और अर्थ के अंदर ज़मीन से ज़्यादा समुद्र है वो यहाँ पर देखता है और फिर उसको लेकिन एक बात समझनी बड़ी मुश्किल हो जाती है क्या वो पाता है कि जब अर्थ राउंड है हम सब ह्यूमन बींग एक जैसे हैं तो लोग एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं एक दूसरे के बीच में दीवारें क्यों बनाते हैं एक दूसरे को क्यों मारते हैं ये बात को जुल्फिकार घोष को यहाँ से क्लियर नहीं होती नाउ क्वेश्चन नंबर वन Find three और four phrases इन stanzas one एंड two which आर लाइकली टू ऑकर इन द geography लेसन यहाँ पर यहाँ आपको दो तीन या चार फ्रेजेस निकालने हैं stanza वन और टू से जो कि बताते हैं geography के, के अंदर geography लेसन के अंदर geography में ऐसा होता है geography के फैक्ट जो बताते हैं ऐसे फ्रेजेस निकालने phrases आप जानते हैं फ्रेजेस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस नहीं होता ये ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना नंबर वन स्केल्ड सिक्स इंचज टू द माइल ये जोग्राफी का फैक्ट है वैलीज वर पॉपुलेटेड लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन ये तीन फ्रेजेज हैं जो कि जोग्राफी के फैक्ट हैं स्टैंडर नंबर वन एंड टू में नंबर टू सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन एरोप्लेन की खिड़की में से देखते हुए द सिटी अपीयर्स शहर उसे कैसा लगता है एज हजार्ड एज ग्राउंड एज नीट एज मैप एज डेवलप्ड एज नेसेसरी यहाँ आपको राइट करना माफ करना है राइट right आंसर तो यहाँ राइट आंसर है एज डेवलप्ड एड नेसेसरी कि वो इतनी ज़्यादा विकसित हुई है जितनी आवश्यकता है नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ़ जोग्राफी यहाँ पर इनमें से कौन से जोग्रफी के तर्क हैं देर आर सिटीज वेयर देर आर रिवर स्टडीज अपेयर एज दे आर नॉट फ्राम सिक्स माइल्स अब द ग्राउंड नंबर थ्री इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड वाई वेल इज य पॉपुलेटेड इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमस हेट एंड केयर वन अनादर नंबर फाइव द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर सी देन लैंड अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ करेक्ट हैं ओके फर्स्ट क्यों करेक्ट है यहाँ देखिए देर आर सडीज वेयर देर आर रिवर नाउ नंबर थर्ड इज़ इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज वर पॉपुलेटेड और लास्ट है नंबर फाइव है यहाँ पर द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर सी देन लैंड नाउ पोम नंबर थ्री द लास्ट बार्गेन एंड इट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टेबोर गुरुदेव ने लिखी है पोम ये बहुत ही ब्यूटिफुल फॉम है इस बार्गेन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दो पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए सहमत होते हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति जो है अपने एम्प्लॉयर को ढूंढ रहा है जिससे कि वो काम ले सके कि कोई उसे हायर कर ले कोई उसे काम पर रख ले और वो उसे जो है सबसे पहले राजा मिलता है किंग मिलता है अपने शारीर पे अपने रथ पे और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा लेकिन आदमी को स्पीकर को उसकी ये पावर नहीं चाहिए वह उसके ऑफर को ठुकरा देता है क्यों क्योंकि अगर वो राजा के अंडर काम करेगा तो उसकी जो रियल हैप्पीनेस है वो लॉस्ट हो जाएगी उस फिर वो आगे जाता है और मिड डे में और देखता है कि एक आदमी बैग ऑफ़ गोल्ड मनी लेकर के खड़ा हुआ है और वो उसको कहता है कि तुम मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें पैसा दूंगा लेकिन वो उसके सामने क्वाइंस को गिनता भी है लेकिन वो उसे भी मना कर देता है क्यों क्योंकि पैसों से उसकी आज़ादी छिन जाएगी और उसको परमानेंट जो है वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी उसकी हैप्पीनेस ट्रांजिएंट रहेगी फिर वो आगे जाता है शाम के समय गार्डन गार्डन में जाता है और वहाँ से एक फेयर मेड एक बहुत सुंदर लड़की बाहर आती है वो कहती है मैं तुम्हें अपनी स्माइल दूँगी और तुम मेरे लिए मैं तुम्हें हायर करूँगी लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे चेहरा पीला था और उसकी सुंदरता के पीछे आंसू भरे थे और इसीलिए वो लड़की वापस अंधेरे में चली जाती है आदमी आगे बढ़ता है और वो बीच पर पहुंच जाता है समुद्र के किनारे पहुंच जाता है वहाँ देखता है रेत बड़ी चमकीली थी और एक बच्चा वहाँ शंख सिपियों से खेल रहा होता है बच्चा अपना सिर ऊपर उठाता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें अपने काम के लिए लूँगा लेकिन मैं दे तुम्हें कुछ नहीं पाऊँगा और आदमी को स्पीकर को उस का जो बार्गेन है सौदेबाजी बहुत पसंद आती है क्योंकि बच्चे के साथ खेल कर उसे अपनी रियल हैप्पीनेस को खोना नहीं पड़ेगा और उसे बहुत कुछ मिलेगा ना हु स्पीकर इन दोम स्पीकर कौन है इस poem में पोमेंचिंग फॉर हिज एम्प्लॉय इज अ स्पीकर एक आदमी जो कि काम की तलाश में है अपने एम्प्लॉयर के लिए काम की तलाश में अपने एम्प्लॉयर के लिए स्पीकर है द किंग वो स्पोर्ट इन हैंड सजेस्ट राजा हाथ में तलवार क्या बताता है वेल्थ पावर मोर पावर देन वेल्थ मार्क द अप्रोप्रिएट आइटम इन द कंटेक्सट ऑफ नंबर वन यहाँ पर राजा जो है पावर का प्रतीक है सिंबल है द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी ओल्ड मैन जो है वो उसको पैसा ऑफर करता है वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर और आदमी जो है स्पीकर जो है उसके ऑफ़र को ठुकरा देता है क्यों द मैन टर्न डाउन द ऑफ़र आदमी ऑफ़र को ठुकरा देता है ही डिड नॉट वॉन्ट मनी उसे पैसा नहीं चाहिए ही वॉन्ट टू गेट हिज फ्रीडम उसको अपनी आज़ादी चाहिए एंड पीस ऑफ माइंड और दिमाग की शांति चाहिए मनी विल मेक हिम अ स्लेव और पैसा उसको क्या करे कर करेगा एक गुलाम बना लेगा फाइंड इन द पोम लाइंस दैट मैच द फॉलोइंग आपको पोम में से वो लाइनें निकालनी हैं जो कि इसे मैच करती हैं आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर लाइन कौन सी है आई हायर यू विद नथिंग आई हैव नथिंग टू गिव यू मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए सिर्फ गुडविल है और खुशी है इज्जत है और खुशी है तो ये बच्चे ने ये बात कही थी जो कि बीच पर खेल रहा है आई हायर यू विद नथिंग मैं तुम्हें लूँगा लेकिन देना दूंगा कुछ नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊँगा नंबर टू हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सॉरो इन डिसगाइज लड़की की खुशी कुछ नहीं थी सिर्फ दुख एक भेस में दुख था हर स्माइल पेल्ड उसकी मुस्कुराहट पीली थी एंड मेल्टेड इन टू टीयर्स और पिघल रही थी आंसू के साथ नाउ द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच राजा की जो ताकत थी वो उसकी कोई कीमत नहीं थी बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट लेकिन उसकी जो ताकत थी वो ना के बराबर थी नंबर फाइव हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच स्पीकर कैसा महसूस करता है जब वो बीच के ऊपर बच्चे से बात करता है द मैन वॉज हैप्पी आदमी बहुत खुश था इनकंटेंटेड और सेटिस्फाइड था संतुष्ट था ही गॉट रियल हैप्पीनेस उसको वास्तविक खुशी मिल गई थी नाउ प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो के अंदर पोम नंबर फोर एंड फाइव के टेक्सूल्स विद शॉर्ट समरी हम डिस्कस करेंगे और तब तक, तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय माई डियर फ्रेंड्स